ए वो देख वो देख वो देख वो देख हमारे देश को कहां से कहां तक लेकर आए हैं, इतना अद्भुत विकास किया है, सब पूरा विश्व दंग रह जाता है देखते देखते। झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कैसा हो सकता है। और प्रधानमंत्री अपने लिए एक खास नाम भी बनाया है। ये क्या बोले मैं समझा नहीं कि उनको इतना मान सम्मान देता है पूरा विश्व। अभी भी आप देखिए यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री भाग लेकर उसमें उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इसके लिए सब लोग विनती कर रहे हैं हमारे मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी को बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर मानते हैं। आप सब लोग भी मानते होंगे? नहीं। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने सिर्फ 7 साल के अंदर भारत को एक नया रूप दिया है, एक नया निर्माण कर रहे हैं, भारत का एक नया निर्माण हो रहा है। इनके इस बयान पर रोही अली जी लिखते हैं, बसंती की बकवास से अमिताभ जी भी परेशान थे। क्यों टांगा वाली सही कह रहे हो ना? सही है। सुनीता जाधव जी लिखते हैं, बिग जॉक ऑफ द डे, आज क्या सस्ता नशा करके आई है या धर्मेंद्र का सस्ता पेग मार कर आई है? आई कैन नॉट स्टॉप लाफिंग। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। शेखर जी लिखते हैं, जिनसे गुजरात के दंगे नहीं रुके वे रूस का युद्ध रोक देंगे। साथ ही एक भारतीय मीडिया का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए लिखते हैं, मोदी पावरफुल नेता चाहे तो युद्ध रोक सकते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मोनी जी लिखते हैं, खुद के नागरिकों को बचाने का ठिकाना नहीं, फिर भी इस पार्टी के नेताओं के चुनावी जुमले खत्म नहीं होते। सिद्धार्थ सोलंकी जी एक भारतीय मीडिया का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखते हैं कि मोदी का फैसला मानेंगे पुतिन बाइडेन। आर यू कॉमेडी मी?